हेलो एवरीवन, हमारे चैनल सिंपल नॉलेज में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे आपके कुछ सवालों के जवाब जो कि आपके मन में हमेशा आता रहता है। जैसा कि आसमान का रंग नीला क्यों होता है, ढलता हुआ सूरज लाल क्यों हो जाता है, हमारे नाखून बढ़ते क्यों हैं, समुद्र का रंग नीला क्यों होता है, हीरे रात में क्यों चमकते हैं, छाते का रंग अधिकतर काला ही क्यों होता है, स्कूल बस पीली क्यों होती है, रविवार को छुट्टी क्यों होती है, एम्बुलेंस गाड़ी पर उल्टा क्यों लिखा होता है, समुद्र का पानी खारा क्यों होता है, हमारे बाल क्यों बढ़ते हैं, बिजली के कारीगर हाथ में रबड़ के दस्ताने क्यों पहनते हैं, नोट पर महात्मा गांधी की तस्वीर क्यों छपी होती है, और आखिरी क्वेश्चन है, समुद्र का पानी सड़ता क्यों नहीं है। तो चलिए जानते हैं इन सारे जनरल क्वेश्चन के आंसर। उसके पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें जिससे हमारे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, और अगर सब्सक्राइब किया है तो थैंक यू। और इसमें से पहला क्वेश्चन है, आसमान का रंग नीला क्यों होता है, तो चलिए जानते हैं इसका आंसर। दरअसल जब सूर्य से आने वाला प्रकाश पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करता है तो वातावरण के कणों में टकरा कर इधर उधर बिखर जाता है, लेकिन वातावरण के कण श्वेत प्रकाश के नीले रंग के फैलने की क्षमता अधिक होती है, इसलिए आकाश में आने वाले रंगों में नीले रंग की मात्रा अधिक होती है, इसी कारण से आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। और दूसरा क्वेश्चन है, ढलता हुआ सूरज लाल क्यों हो जाता है। ढलता हुआ सूरज लाल इसलिए हो जाता है क्योंकि सुबह और शाम के समय सूर्य जमीन के बिल्कुल करीब होता है, तो उसकी रोशनी को घने वायुमंडल से बहुत लंबे समय तक गुजरना होता है। बैंगनी रंग का बिखराव लाल की तुलना में 12 गुना ज़्यादा होता है, और सूर्य के प्रकाश में केवल लाल रंग ही बचा रह जाता है, इसलिए सूरज लाल रंग का नज़र आता है। और अगला क्वेश्चन है, हमारे नाखून क्यों बढ़ते हैं। नाखून की संरचना के ठीक नीचे कोशिकाओं की एक परत होती है जिसे जीवाणु जाल कहते हैं। यह परत बड़ी मात्रा में कोशिकाओं का उत्पादन करती है जिससे नाखून के नए भाग बनते हैं, और नई कोशिकाएं पुरानी को आगे ठेलती हैं जिससे नाखून कोने से बढ़ता हुआ लगता है, मृत ग्लूकोज की आपूर्ति पर रोक लगा देती है, और इसी तरह से नाखूनों के बढ़ने पर भी। और अगला क्वेश्चन है, समुद्र का रंग नीला क्यों होता है। दरअसल पानी का कोई रंग नहीं होता है, लेकिन यह सूर्य के प्रकाश के कारण हमें नीला दिखाई देता है। सूरज की किरणों में मौजूद बैंगनी, जामुनी, हरा, पीला, नारंगी और लाल को तो समुद्र अवशोषित कर लेता है, लेकिन नीले रंग की वेवलेंथ छोटी होने की वजह से यह परावर्तित हो जाता है, जिसकी वजह से समुद्र के पानी का रंग नीला दिखाई देता है। और पाँचवा क्वेश्चन है, हीरे रात में क्यों चमकते हैं। हीरे का अपवर्तनांक उच्च होता है जिस कारण प्रकाश की किरणें आंतरिक रूप से परावर्तित होती हैं। इसके अलावा हीरे का आकार भी अहम भूमिका निभाता है। हीरे को ऐसे काटा जाता है कि इस पर पड़ने वाली प्रकाश की किरण अंदर से कई बार परावर्तित हो, और इस तरह से सभी दिशा में प्रकाश जाता है, इसलिए हीरे रात में अधिक चमकते हैं। और अगला क्वेश्चन है, छाते का रंग अधिकतर काला क्यों होता है। छाते के भीतरी साइड में मौजूद सिल्वर कलर का मिरर की तरह काम करता है। यह गर्म किरणों को छाते से वापस बाहर की तरफ भेजने का काम करता है। इस वजह से छाता काला रंग का होने पर भी आपको उसके अंदर गर्मी नहीं लगती है। साथ ही बारिश में छाता बहुत जल्दी सूख भी जाता है, इसलिए अधिकतर छाते का रंग काला ही होता है। और सातवां क्वेश्चन है, स्कूल बस पीली क्यों होती है। लाल रंग सबसे ज़्यादा लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचता है, इसीलिए खतरे के निशान के रूप में इसका सबसे अधिक इस्तेमाल होता है। इसके बाद अगर कोई रंग सबसे ज़्यादा आकर्षित करता है तो वो है पीला रंग। पीले रंग को दूर से भी देखा और पहचाना जा सकता है, इसी वजह से पीले रंग को स्कूल बसों पर लगाया जाता है ताकि उसकी तरफ लोगों का अटेंशन बना रहे और पीले रंग की बस दूर से ही दिखाई दे। और आठवां क्वेश्चन है, रविवार को छुट्टी क्यों होती है। रविवार की छुट्टी को साल 1986 में मान्यता दी गई, लेकिन इसका इतिहास काफ़ी पुराना है। दरअसल इसे सप्ताह का आखिरी दिन माने जाने की वजह से स्कूल कॉलेजों में भी रविवार को ही छुट्टी का ऐलान कर दिया गया था।
जिसके पास से लगातार रविवार को ही छुट्टी का दिन माना जाता है और रविवार को ही छुट्टी का दिन घोषित है। और अगला क्वेश्चन है, एम्बुलेंस गाड़ी पर उल्टा क्यों लिखा होता है? एम्बुलेंस गाड़ी पर उल्टे अक्षरों में इसलिए लिखा होता है ताकि पीछे से अगर एम्बुलेंस की गाड़ी आ रही है तो आगे गाड़ी चलाने वाला व्यक्ति अपनी गाड़ी के कांच में देखकर यह समझ जाएगा कि पीछे एम्बुलेंस आ रही है और अपनी गाड़ी साइड में कर ले। हम जब भी कोई वर्ड कांच में देखते हैं तो वह उल्टे दिखते हैं, इसी वजह से एम्बुलेंस गाड़ी पर उल्टा लिखा होता है। और दसवां क्वेश्चन है, समुद्र का पानी खारा क्यों होता है? इसमें खास दो लवण हैं, सोडियम और क्लोराइड, जो नमक बनाते हैं और इसका आवास काल बहुत लंबा होता है, यानी जब ये समुद्र में पहुंच जाते हैं तो करोड़ों साल तक वहीं जमे रहते हैं, इसलिए समुद्र का पानी हमें खारा लगता है। और अगला है, हमारे बाल क्यों बढ़ते हैं? हमारे शरीर में WBC नाम की खून होती है जो हमारे शरीर में प्रतिरोधक शक्ति को बनाए रखती है। इसकी कोशिका की मृत्यु हो जाने के बाद यह हमारे शरीर से बाल और नाखून के रूप में उत्सर्जित होती है, अतः हमारे शरीर का प्रतिरोधक क्षमता जितना मजबूत रहेगा हमारा बाल उतना ही मजबूत और सुंदर रहता है, इसलिए हमारे बाल लगातार बढ़ते रहते हैं। और अगला क्वेश्चन है, बिजली के कारीगर हाथ में रबड़ के दस्ताने क्यों पहनते हैं? इंसान का शरीर विद्युत का सुचालक होता है लेकिन रबड़ विद्युत का कुचालक होता है। रबड़ का दस्ताना पहनने से कारीगर को बिजली का झटका नहीं लगता है, इसलिए बिजली के कारीगर हाथ में रबड़ के दस्ताने पहनते हैं। और तेरहवां क्वेश्चन है, नोट पर महात्मा गांधी की तस्वीर क्यों छपी होती है? रिजर्व बैंक ने पहली बार गांधी जी की तस्वीर वाले कोमेमोरेटिव यानी स्मरण के तौर पर 100 रुपये के नोट 1969 में पेश किए और यह साल उनका जन्म शताब्दी वर्ष था और नोटों पर उनकी तस्वीर के पीछे सेवाग्राम आश्रम भी था, तभी से नोट पर महात्मा गांधी की तस्वीर छपी होती है। और आखिरी क्वेश्चन है, समुद्र का पानी सड़ता क्यों नहीं है? पानी खुद कभी नहीं सड़ता है, अपित पानी में उपस्थित बाह्य पदार्थों जैसे आर्गेनिक कार्बोहाइड्रेट मटेरियल आदि पर बैक्टीरियल या अन्य जीवाणु कृमि आदि के अटैक के कारण पानी सड़ने लग जाता है। और पानी की BOD यानी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाने से पानी में दुर्गंध पैदा होने लगती है। ये थे 14 क्वेश्चन और उनके आंसर। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं और आप इसी तरह के और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और इसे और लोगों के साथ भी शेयर करें। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू।